हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.7। इसमें कह रहा है ए स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम ए पूल इज कवर्ड विद ए फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम। ठीक है, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन एट 298 केल्विन। डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर एट 298 केल्विन इक्वल टू दे रखा 44.01 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ए स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम ए पूल, मतलब सपोज करो ये कोई स्विमर, ठीक है, और इसके ऊपर स्विमर छोड़ो आप तो कोई भी मान लो, जैसे ये बोतल ही है, ठीक है, और इसके ऊपर वाटर लगा हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन क्यों होता है पहले तो ये बताओ। इवेपोरेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, जैसे मान लो यहां पर स्विमर के बाहर पे कोई लिक्विड है, ठीक है ना, तो यहां पे जो ये लिक्विड है ना उसका वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज लेस देन सेचुरेशन प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। समझ में आया? नहीं है, मतलब ये जो कोई लिक्विड है ना उसका वेपर प्रेशर है ना वो लेस देन होगा सेचुरेशन प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, मतलब ये जो टेम्परेचर है ना उस पे। क्लियर हो? ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। ठीक है, अब ये जो इवेपोरेशन, जैसे ये वाटर है, ठीक है, ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल है, तो उसमें हीट सप्लाइड कौन करता है? बेसिकली जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, तो ये बॉडी सप्लाई करेगी कुछ एयर से लेगा, जैसे मान लो आप कूलर्स में देखते हो तो कूलर्स में ठंडी हवा कैसे आती है, उसमें इवेपोरेशन होता है, यानी जैसे मान लो कूलर चलता रहता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका पानी ठंडा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के कारण हीट क्या होता है? हीट जो सप्लाइड कर होती है ना, मतलब लेता है वो उसी वाटर से लेता है, तो वो वाटर से अगर हीट लेगा तो पानी ठंडा होने लग जाएगा ना धीरे धीरे। समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई स्विमर के बॉडी से, ये मान लो ये कोई बॉडी, ठीक है, तो ये वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहां से हीट कौन सप्लाइड करेगा? इसकी बॉडी सप्लाइड करेगी, कुछ एयर से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये खुद ही कह रहा है कि जो ये वेपोराइजेशन है ना H2, ये वेपोराइजेशन के लिए कितनी चाहिए? 44.01 किलोजूल पर मोल, मतलब एक मोल वाटर के वेपोराइजेशन के लिए इतनी चाहिए। समझ में आया? अब ये कह रहा है कि कितना उस स्विमर के जो बॉडी है ना उसमें कितना ग्राम लगा हुआ है वाटर? 18 ग्राम। ठीक है, और आपको सबको पता है 18 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो कितना मोल हो गया? 1 मोल, और आपको पता है 44.01 किलो जूल पर मोल चाहिए, तो एक मोल के लिए कितना चाहिए? एक मोल के लिए चाहिए 44.01 हीट सप्लाई किलो जूल। ठीक है, तो आंसर आ गया, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन, मतलब 44.01 किलो जूल। क्लियर? अब इंटरनल एनर्जी देखो, ये तो भी इस वाटर को हीट ये दिए, हीट सप्लाइड की, ठीक है, तो इसका इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई? तो इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए निकाल सकते हो डेल्टा एच, देखो 44.01 किलो जूल और माइनस 1 डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ, देखो इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड H2O लिक्विड से वेपोराइजेशन में किसमें हो रहा है? गैस में हो रहा है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां पे गैसियस रिएक्टेंट 0 है और यहां पे 1 है, तो ये आ जाएगा 1। R की वैल्यू क्या पता है? R को 8.31 होता है। ठीक है, तो इसको यहां पे देखो किलो जूल में, ये जूल में आएगी। ठीक है, तो किलो जूल में करने के लिए 10^-3, एक काम करता हूं पहले ऐसे डायरेक्टली लिखता हूं 0.0083। ठीक है, इसकी यूनिट भी लिख लो किलो जूल केल्विन माइनस 1। ठीक है, RT 298 केल्विन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेल्टा यू इक्वल टू, ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 41.53 किलो जूल मोल की पावर माइनस 1 आ जाएगी। समझ में आ रहा? ठीक है दोस्तों, क्लियर?